महाराष्ट्र। और हम ही नहीं, जिन लोगों के पेरेंट्स उन्हें लेने आए हुए थे वो लोग भी यहाँ फंस चुके हैं। और हमारे कितने सारे दोस्त जो ओपन मेस ज्वाइन कर रखे हैं, उन लोगों को तो और भी काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। अगर हम इन सारी चीज़ों को भी साइड रखते हैं तो हमारी प्राइमरी नीड क्या है कि हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। बट इतने मेंटल प्रेशर और फियर में रह करके हम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोटा की वीडियोस मिल रही होंगी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कंडीशंस चल रही हैं, तो इसमें हम कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? और पढ़ाई ना होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए हमारा कोटा एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि प्लीज हमें कोटा से बाहर निकाला जाए और हम लोग घर तक भेजा जाए, प्लीज सर। सेंड अस बैक, सेंड अस बैक होम, सेंड अस बैक। हम बिहार और बंगाल के स्टूडेंट्स हैं जो कि कोटा में फंसे हुए हैं। हमारी स्टेट अथॉरिटीज हमें आने नहीं दे रही है और कोटा की अथॉरिटीज भी हमें पासेस नहीं प्रोवाइड करवा रही है, जिसके कारण हम घर नहीं जा पाए और जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और एक दिक्कत ये है कि हमारा मेस काफ़ी दूर है, तो हमें वहाँ दो टाइम खाना लेने जाना पड़ रहा है और वहाँ के स्टाफ जो है वो मास्क ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं हमारे कहने के बाद भी, तो हमें खाना लेने में काफ़ी डर लग रहा है। ये प्रॉब्लम है यहाँ, थोड़ा ड्रास्टिक होता जा रहा है जिससे हम स्टूडेंट पैनिक होते जा रहे हैं और यहाँ पे मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है और हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स परेशान हुए हमारे लिए। हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं परमिशन बनवाने के लिए, पर यहाँ के अथॉरिटीज हमारी परमिशन को बनाने नहीं बना रहे हैं, इससे हम यहाँ पे डर लग रहा है, इससे हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, हम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सेंड अस बैक होम। और हम पूरी तरह से फंस चुके हैं कोटा में। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि कोटा से निकलने का कोई जरिया निकले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट से भी नहीं हेल्प मिला है और ना ही कोई आईलैंड की तरफ से भी हेल्प मिला। हम कुछ चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, कुछ नियम लाए, कुछ ट्रेन सेवाएं या फिर कुछ बस सेवाएं या फिर कुछ भी ऐसा परमिशन दे स्टूडेंट को कि वो अपने घर जा सके। अभी तक एक महीने से हम फंस चुके हैं, हम एक महीना झूठ मूठ का कोटा में रहना पड़ रहा है हम सभी को। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, कुछ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करे जो नीट की तैयारी, मेडिकल की तैयारी करने आए, तो उनके लिए तो कुछ सोचे। हम अगर नेक्स्ट महीना भी फंस जाएंगे तो हमें झूठ मूठ का नेक्स्ट महीने का भी हमें अलाउमेंट जो ये रेंट रहता हॉस्टल का वो भी देना पड़ जाएगा। तो प्लीज़ हेल्प अस, सेंड बैक टू होम।